मम्मी कहाँ नर्सिंग होम कहाँ, ये क्या बोल रहा था? तेरी मम्मी प्रेग्नेंट है? कसम से। गाइज हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। और मेरा आजकल दो तीन दिन से भैया सुसु पोटी छोड़ के बाकी का सारे काम जो है ना गाड़ी में बैठ के ही हो रहे हैं। दरअसल मैं दो तीन दिन टूर मार के पूरा टायर्ड हो चुका हूँ। आज दिल्ली आया था मैं कल, और आज फिर मेरे को एक छोटा सा टूर मार के आना पड़ा करनाल का। अब मैं रिटर्न आ गया हूँ, घर ही जा रहा हूँ अपने, ठीक है। सो मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है, और उस आइडिया के लिए मुझे चाहिए मेरे ससुराल में से किसी एक पर्सन की हेल्प। तो मैं उधर से एक हेल्प अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है। बहुत परेशान करता है फोन, तो मैं उधर से एक हेल्प अरेंज कर लेता हूँ और लगा लेता हूँ कॉल और शुरू करता हूँ अपना प्रैंक। हाँ बाबू, कैसा है? नमस्ते, फर्स्ट क्लास। यार चक्कर कहने, एक ना छोटा सा प्रैंक करना था मेरे को। चल ठीक है, मैं देखता हूँ। सो गाइज साड़ी सेटिंग हो गई है, और अब चलते हैं घर चुपचाप। इसको बस एक टेक्स्ट ड्रॉप करना है, ये बाकी का काम अपने आप कर देगा, ठीक है। सो मिलते हैं वीडियो में गाइज। और जो लोग भी चैनल पे न्यू हो ना, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी बाकी के वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को ऐसे ही मिलते रहें, ठीक है। और अब लेते हैं बाकी के मजे घर चल के। आओ चलें घर। A few moments later. So guys, मेरी पूरी सेटिंग हो गई, ठीक है। अब आराम से लेट जाते हैं, और ब्रदर इन लॉ को मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया, ठीक कुछ सेकंड बाद वो कॉल लगा लेगा। हम चुपचाप लेट जाते हैं। ये मैसेज क्यों कर दिया? कॉल कर ले। मोना, बोला तेरा फोन आ रहा है। लड़की आया, फोन बजा तेरा, देख ले। वो तो मुझे भी दिख गया ना उसका फोन है। हेलो अनुज, किस बात की मुबारकबाद दे रहा है? चल पागल पागल हो गया है क्या? खाइयो मेरी कसम। तू मेरी कसम झूठे तो नहीं खा रहा है? एक बार मम्मी से बात करी मेरी। हाँ नर्सिंग होम गई है? तो इसमें तुम लोग मेरे को मुबारकबाद दे रहा है? ठीक है ठीक। क्या हुआ, किसी से मुबारकबाद दे रहा है? ऐसे ही ऐसे ही कौन मुबारकबाद देता है बे? अरे ऐसे मतलब बोल रहा है कुछ चीज को लेके बस। क्या बोल रहा है? इतनी देर से बात हो रही है, ऐसी बोल रहा है किस चीज को लेकर के? कुछ नहीं है, ऐसी बस नॉर्मल बात हो रही थी। मम्मी कहाँ नर्सिंग होम कहाँ, ये क्या बोल रहा था?
अरे वो अभी कह रहा है कि ना क्या कि मैं मतलब बहन बनने वाली हूँ मम्मी प्रेग्नेंट है। क्या मतलब? मैं बहन बनने वाली हूँ। तेरी मम्मी प्रेग्नेंट है? हाँ। सच में? यूँ बोल रहा है वो। कसम से? वो कसम भी खा रहा है। दोबारा बोलियो। वो ये कह रहा है कि तू बहन बनने वाली है। मान गए पापा जी का लोहा। फिर तो लड्डू लड्डू बांटेगी गली में। पागल हो गए हो क्या? कहाँ जा रही है? बर्तन पड़े हैं, बर्तन साफ करती हूँ। बर्तन कर लिया साफ? एक मिनट इधर तो आ। दोबारा बोलियो क्या बोल रहे हैं? तुम पागल हो गए हो? नहीं वैसे पूछ रहा हूँ सीरियसली। दोबारा बोलियो क्या बोल रहे हैं? बोल रहा है कि मैं बहन बनने वाली हूँ और मम्मी प्रेग्नेंट है। वो ये बोल रहे हैं। मम्मी क्या है? प्रेग्नेंट है। तुमने मेरा वैसे दिमाग खराब हो रहा है। मेरा ना दिमाग मत खराब करो। सब मार गई मार गई मार का चांद दिख गया। सच्ची में मूड बहुत खराब हो गया। ओ भाई साहब जब भी तो इतने दिन से अपने घर नहीं जा रही थी तो देख लो उसका परिणाम क्या निकला है। ओ भाई साहब तू बाटे या ना बाटे मैं ले आता हूँ। क्या ले आता हूँ? लड्डू। तुम पागल हो गए हो? मोती चूर के लड्डू का छोटे छोटा वाला बॉक्स नहीं होता, चार चार जिसमें आते हैं। तो उसमें तीन तीन डलवा दूंगा। तुम तीन हो ना, तू है, एक तेरा भाई है और एक तीसरा आ रहा है, तो तीन तीन लड्डू डलवा दूंगा उसमें और पूरी गली में बांट देते। इसमें तेरा दिमाग क्यों खराब हो रहा है? तो खुशी वाली बात है, घर में खुशी आ रही है। मेरा मूड बहुत खराब हो गया। जो हंस रहे हो ना, तो इसमें मूड खराब करने वाली बात क्या है? ऐसे क्या सुन ले कोई बार? अभी पहले पहले डंडोरा पड़ जाएगा बालकनी पे, वैसे कोई ना कोई चिपका रहता है इधर उधर। इसमें मूड खराब करने वाली क्या बात है यार? ये तो खुशी की बात है। खुशी की बात है खुशी। मेरे लिए खुशी की बात नहीं है। क्यों नहीं है? मतलब खुद के होने वाला हो तो खुशी की बात है। पागल हो गए हो क्या तुम? ये कोई वो है क्या है? वो है क्या मतलब? इसमें क्या दिक्कत होगी भाई? क्यों ना दिक्कत हो? अरे इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? मतलब तुम्हें पता होगी प्रॉब्लम क्या है। मैं पूछ रहा कि प्रॉब्लम क्या है, हद हो गई है। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अच्छा तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है? मुझे काहे की दिक्कत? तो फिर तुम हंसे क्यों? खुशी तो खुशी ऐसी खुशी की तुम इतना ही कर कैसे रहते? तो कैसी खुशी होनी चाहिए? नॉर्मली होता। अच्छा ठीक है बस। तेरे मटके का भी मेरे को खुशी आ गई तो मैं क्या करूं? तेरा तो मुंह लटक गया। माँ पापा मम्मी देख कैसे गुलाब की तरह खिले पड़े होंगे। तुम तो उनसे ज्यादा गुलाब जामुन बन रहे हो। तो मेरी मेरी बात तो करा तेरे पापा से, उन्हें मुबारकबाद तो दू। अभी तो नर्सिंग होम है ना? तुम ना मेरा सच्ची बता रही हूँ ना। क्या हुआ यार? ये क्या है यार? भैया प्रेग्नेंट मम्मी है, रोल पापा का है, टेंशन तू लिए घूम रही है। मेरे को लगता है खुशी सबसे ज्यादा तुम्हें हो रही है। हमें को खुशी हो रही? किस बात की खुशी हो रही है? भैया मान ली लड़की होगी तो हम ये तो कह सकते हैं सर उठा के, हाँ भाई एक साल है, एक साल ही हमारी। अभी हम यही बोल पाते हैं एक साल है हमारा। चीज की है थोड़ी सी खुशी। मेरे को वो खुशी नहीं चाहिए कि मैं ये कहूँ कि मेरी बहन नहीं चाहिए मुझे। Oh no! लड़ कैसा तू अपनी बहन गोद में लेके घूमेगी और बच्चे का अपने हाथ पकड़े चलेगी, लोग पूछेंगे ये भी आपका है? नहीं जी ये मेरी बहन है। और ये किसका है? ये मेरा बेटा है। अरे भैया बहुत
और मेरे बच्चे अपनी मौसी को गोद में लेके घूमा करेंगे। क्या कर रही है? अरे मैं पापा से पूछ लू, मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया है, सच्ची बताऊं तो। दिमाग खराब है? ये खुशी का टाइम है, वो लोग खुश है, तो अपनी मम्मी को ये सब सुना करके तंग, क्या नाम है, टेंशन में डालेगी। मैं उनको बुआ रहा हूं, बच्चे पे भी फर्क पड़ता है ऐसे। पागल पागल हो गए हो क्या? अरे लोग ने फल लेके जा, फ्रूट लेकर के जा, तू तो उनको टेंशन देने जा रही है। दिमाग खराब है तेरा? जो है जैसे भी है, उनकी लाइफ है भाई, कर रहे एंजॉय। मैं मुबारकबाद तो बोल दूं, फोन तो दे दो। माय फादर इन लॉ इज अ आयरन मैन। स्पाइडरमैन। तो काय की मुबारकबाद क्या कर दिया? तुम क्या कर रहे हो, मेरे को फोन क्यों नहीं करने दे रहे हो? उनसे पूछने तो दो। कर ले भैया, तू फोन कर ले, ना टेंशन में हो जाएंगे खाली पीने में यार। अभी खुशी का माहौल है, उनको नर्सिंग होम से वापस आते वो अपने आप बता देंगे यार। यार तुम्हारे को तुम इतने क्यों खुश हो रहे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। बताया तो तुम्हारे साइड से तुम नहीं लोग बोलेंगे हो। क्या बोलेंगे हो? इतने छोटी है जो भी हुआ कि ये सब तुम मतलब तुम्हारे खुद के इतने बच्चे और तुम छोटे छोटे साला साली लेके घूम रहे हो। भाई साहब प्यार की ना कोई उम्र नहीं होती, ठीक है, कभी भी हो जाता है ना। अब हो गया, कैसी बातें कर रहे हो? ये तो खुशी की बात है, खुशी भी है, टाइम के हिसाब से होनी चाहिए ना। भाई साहब तू जान तेरा काम जाने, मैं तो अभी जा रहा हूँ, लड्डू लेकर के आ रहा हूँ, गली में बांट दूंगा। पागल हो गए, गली मोहल्ले में किसी को बोली मत देना, नया प्रदूषण बढ़ेगा, समझ में आ गई? क्यों, क्या दिक्कत है इसमें? पागल हो क्या? तो पता नहीं लगेगी इन लोगों को। क्या पता लगेगी, जब होएगा बात तो कर लूं मैं। तो तुझे बात करने से तेरे होगा नहीं क्या? तो जो होना था वो हो गया, हुण की करिए की करिए, जो होना था वो हो गया, हुण की करिए। ये गाना बड़ा मैच हुआ। और अनुज को भी देखो, अभी खुश है दीदी मुबारक हो, अब तो बहन बनने वाली, मतलब उसे भी इतनी वो नहीं है। अगला बंदा खुश है, उसको ये है कि भाई चलो मेरी एक बहन चली गई है, दूसरी बहन इधर आ गई है, अकेला बेचारा बोल रहा था। तुम सब लोग पागल हो गए, पागल दिमाग अपना ठीक करा लो, मुझे बात करने तो फोन पे कर ले भाई। तू टेंशन दे रही है उन्हें खाली पीली में, और कुछ नहीं है तेरे को इस टाइम, अपनी मम्मी के बारे में सोचना चाहिए, फल फ्रूट लेके जा, सेवा कर उनकी। और मैं तो कह रहा हूँ जब तक उनका जापा वापा जो है ना वही रही हो, तू खूब सेवा करो उनकी। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, तेरे को मिल रहा है अपनी मम्मी की सेवा करने का मौका। मुझे नहीं करनी ऐसी सेवा है। तो कैसी सेवा करेगी? उठा भी नहीं रहे फोन, अब तो गाड़ी जहां चलानी थी चला ली, स्टेशन भी आ गया, अब क्यों नहीं उठा रहे फोन? नहीं उठा रहे, बेकार परेशान करेगी तुम। और ये शादी की सीढ़ियां यहाँ क्यों रख रखी है तूने? हेलो, क्यों ना दिखा दिखा के मेरा खून जला देती है? अभी कहां पर हो? गोदाम पे। घर पर हो अभी? पांक। और मम्मी कहां पर है? मम्मी भी घर पर है। अभी तुम नर्सिंग होम गए थे क्या? पांक। नर्सिंग होम नहीं, अभी अनुज को मेरे से कह रहा था मम्मी पापा नर्सिंग होम गए हुए। हाँ अभी बोल रहा था, और एक बार मम्मी को फोन देना, दो तो सही, एक बार मम्मी को फोन दो। अरे वो थोड़ी बताएंगे यार, तो मैं तो अच्छा लगेगा क्या? हेलो मम्मी, तो नर्सिंग होम गई थी तुम अभी?
नहीं hey! तो अनुज तो मेरे से बोल रहा था कि मम्मी पापा नर्सिंग होम गए हुए। क्यों गए ये तो पूछो। मेरे को यू बोल रहा था कि तू बहन बनने वाली, मुबारक हो। खुल के ये अनुज खुल के बोल, खुल के कह रहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो। नहीं तो ये क्यों बोल रहा था ये? देना जरा इसको फोन। भाई इसको क्यों डांट रही है? इसको मैंने बोला था। तुमने बोला था मतलब? मजे ले रहा था यार। कैसे मजे ले रहे थे? ऐसी तो वो तो मेरे को बोला था। कोई बात नहीं, मैंने बोला था उसको बोलने के लिए। क्यों तुमने क्यों बोला था उसे बोलने के लिए? यार बहुत दिन हो गए कोई गुड न्यूज सुनी नहीं थी, तो मैंने कहा फर्जी गुड न्यूज सुन लेते हैं। बस इसी बहाने हमारा एक वीडियो कम्प्लीट हो गया। देखो उधर कितना प्यारा लग रहा है वो। मम्मी क्या बोल रही है? मम्मी कुछ सॉफ्ट हो गई है। Anyways, guys, ये शर्मा शर्मी वाला प्रैंक बड़ा अच्छा लगा, मुझे बहुत मजा आया। और आप लोगों को कैसा लगा मेरा आज का वीडियो प्लीज जरूर बता देना। और तो सीरियसली एक दिन जरूर बहन बनेगी, देखिए जरूर बनेगी, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है, मुझे लगता है ऐसा। सीरियसली बता रहा हूँ मैं, नहीं बिल्कुल लगता ना लगे भाई, मेरे को क्या दिक्कत है। एनीवेज गाइस, आप लोगों को क्या लगता है क्या नहीं लगता है वो छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और आप भी ऐसा कुछ भी मत सोचना। फिलहाल बस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी बाकी के वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को ऐसे ही मिलते रहे। और चलिए चलो तुम्हारे बर्तन धुलवा दूं इसी बात। बाय गाइस।